मैं माशू हावे ना पान बुवंद हस जान ते मैं माशू हावे ना पान बुवंद हस जान ते। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि और बहुत फख्र महसूस होता है कि चाहे वो हमारा भजन हो, चाहे वो नात शरीफ हो, वो सब गाते थे क्योंकि उनके लिए सब एक जैसे थे। सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक प्रोग्राम था जिसमें उन्हें नात शरीफ गाना था और उन्होंने, हालांकि मैं तब वहाँ नहीं थी, मैं शायद पैदा भी नहीं हुई थी तब, बट जैसा कि मेरी मदर मुझे बोलती हैं, सिखाती रहती हैं, कि उन्होंने सबसे पहले वजू किया था जो आप में करते हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं नज़ीर गनाई। आवाज़ द वॉइस में हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसी फैमिली से, कुछ ऐसे अशखास से बात करें जिनका कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक में, आर्ट्स एंड कल्चर में, स्पोर्ट्स में, किसी भी शोबे में। और आज हमारी खुशकिस्मती यह है कि आज जिस फैमिली के साथ हम बात कर रहे हैं, दिस फैमिली बिलोंग्स टू लेजेंडरी म्यूजिशियन, लेजेंडरी सिंगर विजय कुमार मल्ला, जो हमसे 2012 में वो चल बसे और उनका कंट्रीब्यूशन जो है कश्मीरी म्यूज़िक में और कश्मीरी आर्ट्स एंड कल्चर में बहुत सराहना है। हाउसहोल्ड नेम रहे हैं कश्मीर में और आज भी उनके गाने बजते हैं रेडियो से, दूरदर्शन से और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से। हमारे साथ रेनू मल्ला है जो शरीक हयात है मल्ला साहब की, और दिबूति मल्ला जो उनकी बेटी है। दिबूति, सबसे पहले आपसे बात स्टार्ट करेंगे, मल्ला साहब का जो सफ़र रहा, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके रहे जब मल्ला साहब के साथ एक्सटेंसिव बात होती रहती थी, लेकिन मल्ला साहब का जो कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक में, तो उसको एज अ डॉटर आप कैसे देखती हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ मैं आप सबका, कोशोराग टीम का, अरविंद मोटू जी का और आपका, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस बारे में कुछ बोल पाऊँ। मेरे पिताजी, बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने म्यूज़िक सीखा और वो हमेशा यही बोलते आए थे कि म्यूज़िक एक ऐसा समंदर है जो कभी रुक नहीं सकता किसी भी उम्र तक। हालांकि वो जब गुजर भी गए, गुजरने वाले सुबह सुबह वो मेहदी हसन साहब जी का गाना सुन रहे थे, तो उनका हमेशा यही कहना होता था कि मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। हाँ, हालांकि वो J&K के ए ग्रेड आर्टिस्ट कहे जाते थे, लेकिन उन्हें इस चीज़ का कभी कोई घमंड नहीं था, कोई वो नहीं था, कोई भी ईगो नहीं था इस चीज़ का। वो हमेशा सीखते रहते थे और सबको कहते थे कि बस सीखते जाओ, कि मैं कोई मतलब परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं हूँ या कोई भी परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं होता है, ये ऐसा समंदर है, बस सीखते जाना। और 9 मई 2012 जब वो हम सबको छोड़ के चले गए, वो हमारी ज़िंदगी का, पूरी कम्युनिटी का बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि एक ब्लैक डे था, क्योंकि मैंने तो अपने पिता को खोया ही, जिसका मतलब जो कभी वो दर्द जा नहीं सकता, लेकिन पूरी कम्युनिटी, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, फक्र होता है ये सुन के कि वो आज भी, उनके जाने के बाद भी, उनका नाम, उन्हें, वो उनके दिल में है, उनकी जुबान पे है। तो उस चीज़ की बहुत खुशकिस्मती है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी रहे, जो लोग उन्हें आज तक याद रखते। जब आप आज, जब वो हमारे बीच नहीं है, जब आप उनका, मल्ला साहब का कभी नात शरीफ जो उन्होंने रिकॉर्ड किए थे, बिल्कुल बिल्कुल, जब आप उनके भजन सुनते हैं, और चूंकि आर्टिस्ट जो होता है वो किसी मजहब से, वो उससे परी होता है, तो जो जब आप उनका कंट्रीब्यूशन आज देखते हैं, और आज देखते हैं लोगों को, क्या वो उनके बारे में कितना बोलते हैं, तो क्या महसूस होता है आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि और बहुत फख्र महसूस होता है कि चाहे वो हमारा भजन हो, चाहे वो नात शरीफ हो, वो सब गाते थे क्योंकि उनके लिए सब एक जैसे थे। तो बहुत खुशी होती है जान के कि
सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक प्रोग्राम था जिसमें उन्हें नात शरीफ गाना था, और उन्होंने, हालांकि मैं तब वहाँ नहीं थी, मैं शायद पैदा भी नहीं हुई थी तब, बट जैसा कि मेरी मदर मुझे बोलती हैं, सिखाती रहती हैं, कि उन्होंने सबसे पहले वजू किया था जो आप में करते हैं, तो उन्होंने बोला मैं तब तक नहीं गाऊंगा जब तक मैं ये नहीं करूंगा। तो अच्छा लगता है ये देख के, ये सीख के कि कितना, मतलब कितने ज्ञानी और कितने नॉलेजेबल और हर चीज को मद्देनजर रखते हुए वो हर चीज करते थे। आपकी अपनी भी शख्सियत है, आप खुद भी काम करती हैं, आप एक आर्टिस्ट की बेटी होके भी अपने फील्ड में काम करती है, तो जब आप उनके गानों को देखती है, उनकी कंपोजिशंस को देखती है, बहुत सारे ऐसे मकबूल या आम गाने हैं जो अभी भी चलते हैं, तो कोई ऐसा कोई गाना है जो आपके दिल के बहुत करीब है और जो आपको अपने वालिद साहब की, अपने पापा की याद दिलाती है? जी, उनके तो वैसे सारे गाने बहुत ही दिल को लुभाने वाले हैं। उनके गुजरने के बाद कुछ साल तो हमें हिम्मत भी नहीं हुई कि हम उनका गाना सुन भी पाए, तो गाने की तो बात ही नहीं। एक गाना है जो उन्होंने खुद कंपोज किया है और खुद गाया भी है, मैं माशूक हावे ना पान बुवंद हस जान लेती है, तो वो थोड़ी सी मेरी कोशिश रहेगी गाने की। मैं माशूक हावे ना पान बुवंद हस जान लेती, मैं माशूक हावे ना पान बुवंद हस जान लेती, मैनूनम दीनु ईमान बुवंद हस जान लेती, बकर हस पोशवर सुन हनाई ना सुने कुन, बकर हस पोशवर सुन हनाई ना सुने कुन, गच्छम मुश्किल में आसान बुवंद हस जान लेती, मैनूनम दीनु ईमान बुवंद हस जान लेती। तो मतलब म्यूजिक तो है ही, सुरीली भी है आप, और आप कोशिश करती हैं कि उनका गाना जो है फर्दर अगले लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे जाए? जी बिल्कुल, मैं हमेशा, मेरी यही कोशिश रहती है। अभी तो सीख ही रहे हैं हम, मुझे नहीं लगता कि पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे कि उनके जैसा मैं या कोई भी गा पाए, लेकिन हम, मेरी कोशिश हमारी रहती है। मेरे भाई वो भी गाते हैं, मैं भी गाती हूँ, क्योंकि ये जितनी भी कोशिश है ये हमारे खून में ही है, क्योंकि मेरी माता जी भी इसी फील्ड में है, इसी फील्ड में, और मेरे पिताजी तो थे, तो हमेशा कोशिश रहती है कि उनका नाम आगे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। और अच्छा लगता है देख के कि जितने भी आजकल के बच्चे हैं वो भी ये कोशिश करते हैं कि वो ये गाना गा पाए मेरे पिताजी का, तो बहुत अच्छा लगता है कि उनका नाम रुका नहीं है, उनका नाम चल ही रहा है और आगे भी चलता ही रहे। बिल्कुल रंजू अकबर आकोश नदरा नचने हवस का नचुल गुबार वालो चरस यू हस्ते वनेरा ये थई बहार वालो नदरा नचने हवस का। क्या बात, आपने, आपका जो सफर है वो मल्ला साहब के साथ बहुत पहले से रहा, मल्ला साहब कितने करीब थे, एक्सप्लेन सारे नाज़रीन तीन शख्सियत। तीन शख्सियत वन पे ये नमकलव कॉलेज बस एस एस भजन जी ने वहाँ प्रोग्राम खतरी हो बस पंडित भजन जी ने शंभुनाथ सोपरी सबस निश्चित
बस मास्टर्स करान पता से भजन जी निवान रेडियो बुलावित वो कैला जी शफक शफक शाम कोर्सस मे गवान सारी तम पे गई मला सब बॉम्बे बॉम्बे गसित गई पता मैरिज 1988 गयस बहुत जॉब करान म्यूजिक टीचर इन आर्मी स्कूल तिमन ऐस मर्जी कह गोडनेथ ही दुपन त्राव नौकरी से क्या चीज़ नौकरी करूँ इवन कि इमन दोन बे एमए एसएस करान मे सेकंड ईयर फाइनल ईयर जन दुपन कहीं चुन गासन क्या चीज़ करूँ तिमन ओसम मतलब तिमन ओसम बासन कहीं के मे दमस न मे दियो तो इजाजत ब कर वानी कंप्लीट फर्दर पारन ब के मगर मे दियो तो ही करन तो तो जो तुम्हें इजाजत गयस ब तथ बैच सिटस कैला जी सुनैना जी बड़ी मो पोर्मुत पे मे गयस निर्जा जी इकोटे पत बैचस एम ए करान थ्रू पंजाब यूनिवर्सिटी क्या क्या अस बदकस्मती कश्मीर यूनिवर्सिटी मैं सात म्यूजिक तम पे वह द्रायस न पर् मे जॉब दाय त्रे फिर के सी पब्लिक स्कूल मे कोर बॉम्बे वह दौद मे गो तोस्टल आस्तम मे पे वापस यून तत डॉक्टर जे टी व्यास जन अमिताभ बच्चन फैमिली डॉक्टर अक फिर अमिताभ बच्चन बेमार तमन पुलिस मं लोगमत कोर्मुत फ्रेंडली क्या कि तत माला दोह महफिल गमो वो तम दस बह बिहित वन मे ये रोजा ये ठीक कि ना यह गा ये ठीक कि ना सह डॉक्टर ये बह आमच्छस तमो वो बे ये सोजन ज दस न मे कम खुद कमा कमा इंसान फैमिली खुद यह रोज तत बह रोज ये बह कर निक जाम सतन बहुत तत आर्य विद्या मंदिर स्कूल मज लम बोड़ बार स्कूल खुलमुत एज ए म्यूजिक टीचर ये मज सोनम कपूर तो सोनाक्षी सिन्हा मे स्टूडेंट तम ईच तम ईच बर राज बाबर एक्टर तिंद निक सजाद बाबर सह मे स्टूडेंट रूद मगर गाँव क्या बह हस नूज तत मे दस आसान सिर्फ ऑक्सीजन पे तमो वो ना कह आयस मे दा बह निक तुल मे लकुट कर्षन तरस बह वाप जम जम तर मे पत यह मे पता इन यून इमो वो ना कर ऐ वन मे क्या कर मे रोज तह मतलब इन गोडनच प्रफरेंस इहज फैमिली चाहे माज बो बन जनान शुर गोडन प्रयारटी बसान फैमिली तम पानस घर मज बत कर पे नौकरी तत दस रात महफिल सर दरवाज शावर शाम कर कुंड बंद शंगन वन सह लगान सुचन चौन पाँचन तान सह हाँ यल वन मतलब मे ये तक शख्सियत वन मे इत मे अक दपान अस गो स्कूटर इन खराब यह मे वन तद मे पानस सन तन ये लच्छ बज मिसाल अक दम दपन स्कूटर हे गो खराब मे दस वन दोपन वन बुलो मे सूर तो सू नी मे वो नफरा आव तम स्कूटर गर पे ठीक कर ना यह जमीर खानदर गाँव 1988 बस पकतृह जुलाई उस खानदर 14 अगस्त बह द्राम बस 14 दिन बह रोज पमस दपन यह आव तो यह द्राव अम वोमुत इन दस बह खा अत नाशुर यखन तो बे रोगन जोश मे मा पता दपन ऐसे पता मे आये सून हेत दपन क्या दस क्या कर दपन यह बनाव मे दस कमिस खुद दपन यह पगह रन यह मे नियन पानस ये बह दफ्तर नस कमिस खुद दपन इस रात आमुत यह स्कूटर निन खुद शिव शेर खुद यह बोड़ बार इंजीनियर हाँ
دوپس یہ نا سا آس نا انجینئر دوپن یہ انجینئر پوزے سی ون مے کھے کت مے کر کم تو مے ثن یہ سین رنت مے کور یہ پیک تو مے دت تمہن شام آئے ون یا پگہ پانے بانے ہیت یہ نفر یہ کھران لاگان ات یہ بڑا نا بڑ شکریہ کران بس سوچان یہ رات انجینئر زند یہ کیا دلیل گئی مے ون یت انجینئر آمت آسان دن وی کیا ون ہے امس بچر سے من ون تو مے دوائی ووم مے دپ ٹھ بناو پھٹافٹ مے دس باقی خطر بہ بنوان سنس گرس مزے نا مسلمان ہند کرسچن سردار سو کتھ توتان دورچ کت یہ مزور یہ منسٹر یہ جمعہ دار بہت ہاں یمس بچی ہند قسم یم ساری یت کن بہان اس سر یہ اس تیل کت آرٹسٹ آسے نا تیل آرٹسٹ کام پہ تہندین بٲتن پٮ۪ٹھ یا تہنٛز یۄس سۄ محنت ٲس رِیاضت ٲس تتھ پٮ۪ٹھ چھو نظر تراوان کُس چھُ تتھ تیُتھ کانٛہہ بٲتھ تۄہہِ نہ تِہُنٛد یُس تۄہہِ تُہنٛدِس دِلس بڑٕ قریٖب چھُ ایز این آرٹِسٹ ایز تِہُنٛد کِہیٖنۍ ؤنِتھ مےٚ چھِ ہر کانٛہہ بٲتھ بہٕ ہیٚکہٕ تِہُنٛد اکھ اکھ سۄر ؤنِتھ سُہ چھُ مےٚ دِلس قریٖب بہٕ کیاہ وَنہٕ مےٚ چھِنہٕ مطلب یِم اَسہِ بِلکُل اَن میریڈ ٲسٕس بہٕ تیٚلہِ یِم اَسہِ تِمن سۭتۍ گیمٕتۍ چھِ اَکہِ دۄہ چھَس بہٕ بَجن جایَن رٔٹمٕژ دوٚپُن تِمن ووٚنُن گیو توٚتام مےٚ ٲس نہٕ کِہینۍ مےٚ کیاہ ٲس توٚتام پَتہ مےٚ چھُ اوٗرۍ واتُن دوٚپُن رینو ذرا تبلا اُٹھاو تبلا بَجاو بہٕ چھَس اَتھ رِدم دِوان تبلس آز چھنہٕ مےٚ اوٚنٛگجے وۄتھان مےٚ چھُنہٕ سُہ جِگرے گژھان وُنہِ تہِ مطلب ہر کانٛہہ اوس چیٖز آسان تیُتھُے کُنہِ پھِرِ ٲسِم دفتر پٮ۪ٹھ یِوان پَتہٕ ٲسٕکھ وَنان محمد اشرف صٲب نا یہِ رِکاڈِنٛگ چھِ اَسہِ پَگہہ مۄکلاوٕنۍ یِم ٲسِکھ دَپان مےٚ چھُو ٹوٗرَس گژھُن نہ ژٕ یہِ صُبحٲے تہٕ یِم ٲسٕکھ اچھا بہٕ یِمو بہٕ ژھٕنو بَہن بَجن تانۍ یہِ مۄکلٲیِتھ یا یِمے کورس ٲسۍ أسۍ کران گۄڈٕ 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 ٲسۍ یِمنٕے کورس گیٚوان کیلاجی سۭتۍ چھِ واریاہ گیمٕتۍ مےٚ یُس یہِ پھوٚل شفق چھِ وَن پوشہٕ نوٗلو مطلب اگر تُہۍ ناظرین ؤنِو واریاہ چھِ تِتھۍ بٲتھ مَلا صٲبٕنۍ یا تِہنٛز بٔچی ووٚن کہِ یہِ بٲتھ چھُ تھوڑا زِندٕ روزنہٕ باپَتھ چھُ سُہ چھُ أکِس پَتَس پَتَس منٛز چھُ سُہ سارنٕے چھُ مَران لُکھ راہی صٲبُن ژٕ مَرَکھ نہ لَتہِ پٲٹھۍ چَکھا پیالہٕ تہِ ہُہ تہِ کَرکھ نہ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ کِہینۍ مےٚ دِ معٲفی تَمہِ خٲطرٕ اچھا دِمو تُہۍ جب مَلا صاحب کا ہم آخری اِنٹروِو دیکھتے ہیں اور جس میں وہ گِلا بھی کرتے ہیں سٹیٹ کے خلاف اور اپنے آرٹسٹ برادری کو بھی ایک سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک آرٹسٹ جب ہوتا ہے جب اس کو ایکنالجمنٹ نہیں ملتی ہے کچھ کوارٹرس سے ایٹ اے رائٹ ٹائم تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا چھو تۄہہِ باسان تَتھ سُچویشنَس منٛز کیوں کیا کیا کہنا چاہیں گے اس پہ آپ جی انہوں نے خود بھی ایک انٹرویو میں خود ہی بولا تھا جو کہ سچ ہی ہو گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ایک آرٹسٹ کو وہ جگہ یا وہ عہدہ نہیں ملتا ہے ان ٹرمز آف ہم ریوارڈس کہیں یا ایوارڈس کہیں اور اس کے جانے کے بعد جب وہ چیز ملتی ہے تو اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے صحیح اور ویسا ہی ہوا ہے ان کے ساتھ ان کو جب اسٹیٹ ایوارڈ ملنا تھا یا نیشنل ایوارڈ ملنا تھا راتوں رات دن میں فارم بھرتے تھے راتوں رات وہ کینسل ہو جاتے تھے وہ آج تک سمجھ نہیں آیا اتنے سالوں تک کہ یہ کیا پولیٹکس چل رہی ہے پیچھے پیچھے اور اس چیز کا بہت ہی زیادہ دکھ اور افسوس ہے جس وجہ سے میں اور میرے بھائی ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم گائیں ہم ان کا نام آگے بڑھائیں لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پتا جی جو جہاں ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں پتہ نہیں ہم پہنچ بھی پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے کسی جنم میں جب ان کو وہ عہدہ نہیں ملا وہ حق نہیں ملا تو ہمیں
शायद ही क्या मिलेगा। उनके गुजरने के बाद ये लोगों का प्यार है उनके लिए, जो इतना लड़े, इतना फाइट किया उनके लिए, जो उनके गुजरने के बाद उनको कम से कम स्टेट अवार्ड दिया गया। मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए, खास तौर से आर्टिस्ट लाइक विजय कुमार मल्ला, जिनको किसी अवार्ड और रिवार्ड की जरूरत नहीं थी, उनका सबसे बड़ा अवार्ड और एजाज जो था वो लोगों का प्यार था। और लोगों का प्यार अभी भी है जी। अगर आप गाँव के किसी कोने में, शहर के किसी कोने में भी जाए, विजय मल्ला का नाम ले और वो आपको ये नहीं पूछेंगे, दूसरी बात ही नहीं होगी, और वो आपको इतना सम्मान, इतना इज्जत, इतना प्यार देंगे। आई थिंक वो उनका काम है, वो इज्जत प्यार आज भी बरकरार है, और उनके वो सब उन्हीं की देन है और उनका उनका प्यार है जो लोग। मैं दादा साहब के साथ बात कर रहा था, बशीर दादा के साथ, तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ काम पे उन्होंने जो है उनके साथ बात करी थी और वो कुछ खफा थे उनसे, और लास्ट में उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया, विच हैपन टू बी हिज लास्ट सॉन्ग। लास्ट सॉन्ग तो क्या था वो गाना? कर मोकली सफर उनकी लास्ट रिकॉर्डिंग थी, जिसमें जो मतलब जो उन्होंने गाया वही हुआ, मतलब उनका आखिरी सॉन्ग ही ऐसा था कि उनका ही सफर आखिरी हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, वो एक ऐसी गाना, ऐसे कोयल हैं वो जो बजते रहते हैं, आज भी जाने के बाद भी उनका गाना, उनका नाम हर जगह गुनगुना रहा है, लोगों के दिल में, लोगों की जुबान पे, बच्चों के मुंह से, हर कोई उनका नाम लेता है, चाहे वो एक ड्राइवर हो, चाहे वो एक मिनिस्टर हो, सबके लिए वो एक ही थे और उनका प्यार एक ही था। और बहुत फख्र महसूस होता है जब भी वो बोलते हैं कि आप उनकी बेटी हैं, आपका नाम क्या है, जब मैं बोलती हूँ हाँ जी मेरे पिताजी का नाम ये, तो बस फिर आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही कि वो क्या थे और उन जैसा कोई ना था, ना कोई है, ना कोई। बिल्कुल उनके उन जैसा कोई ना था और कोई ना आएगा। दिपोदी जी बहुत बहुत शुक्रिया, और रेणु जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ वक्त गुजारा और विजय मल्ला साहब के कुछ ऐसे लम्हात जो है हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।